नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं सरार और आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। प्रभारी मंत्री कवासी लखमा, बस्तर सांसद श्री दीपक बैज ने सुकमा में क्रांतिकारी वीर गुंडा धुर मूर्ति अनावरण कर धुरवा समाज भवन निर्माण की आधारशिला रखी। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि आदिवासियों के जल जंगल और जमीन के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का आगाज करने वाले नायक गुंडा धुर का बलिदान हमेशा इतिहास में अमर रहेगा। 1910 को बस्तर के आदिवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूका था और इस विरोध को बुलंद करने में आदिवासी जन नायकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। इन्हीं जन नायकों में से अमर शहीद गुंडा धुर के नेतृत्व में भूमकाल विद्रोहों में हजारों आदिवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ डटकर संघर्ष किया था। साथ ही धुरवा समाज भवन के शिलान्यास पश्चात प्रभारी मंत्री ने कहा कि सामुदायिक भवन बन जाने से समाज के आयोजनों के लिए आप लोगों को काफी मदद मिलेगी, साथ ही सामुदायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में ये भवन बहुत ही सहायक होगा। सांसद बैश ने कहा कि गुंडाधुर हमारे बस्तर का गौरव और बस्तर की जान है। इतिहास के पन्नों में बस्तर के लिए गुंडाधुर का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। क्रांतिकारी धुर गुंडाधुर की वीरता की गाथा ऐतिहासिक वीर सपूत और आदिवासी बेटा बस्तर की जंगल जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने लोहा लिया था और अंग्रेजों के विरुद्ध आजादी की लड़ाई में उनके अमूल्य योगदान को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। संवाददाता तौसिफ जहां की रिपोर्ट।